प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं असित कारुंगो, आपका अपना दोस्त, अपने नए यूट्यूब चैनल लाइफ इन विलेज विथ असित कानूनगो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मशरूम उगाने के लिए हम खेत से पैरा या पराली एकत्रित करने जा रहे हैं। गोपाल ट्रैक्टर चला रहा है। खेत के बीचों बीच ट्रैक्टर में चलने से खेत की उबड़ खाबड़ होने के कारण ट्रैक्टर बहुत उचकने लगता है, स्थिर होकर आप नहीं बैठ सकते। दोस्तों आप भी वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों धान काटने के बाद खेत में जो अवशेष बचा रह जाता है उसे छत्तीसगढ़ में पैरा, पुआल एवं भारत के अन्य क्षेत्र में पराली कहा जाता है। खेत में पराली या पैरा हटाना कृषक के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, कारण कि हार्वेस्टर से धान की कटाई करने के बाद धान का डंठल और पैरा खेत में ही रह जाता है, जो वर्तमान में किसान के लिए अनुपयोगी साबित होता है। पहले जब किसान हल से खेती करते थे तब किसान के पास बैल और अन्य मवेशी हुआ करते थे, जिनके लिए चारा के लिए किसान पैरा को एकत्रित करता था। वर्तमान समय में ट्रैक्टर से खेती करने के कारण किसान मवेशी नहीं रखते, तो पैरा को डिस्पोज करने के लिए किसान के पास सस्ता और सरल एक ही रास्ता बचता है, पैरा को आग लगाना। लीजिए दोस्तों अब हम खेत में पहुंच गए हैं, पराली इकट्ठा करना प्रारंभ हो गया है। रितेश और रामलाल को पहले से खेत में भेज दिए थे ताकि पैरा एक जगह एकत्रित करके रखें और हम जल्दी जल्दी ट्रैक्टर में पैरा लोड कर सके। दोस्तों किसान आमतौर पर पैरा को आग ही लगा देते हैं, लेकिन इस वर्ष पहली बार हम पराली से मशरूम की खेती करने का प्लान बनाए हैं, जिसके लिए पराली जमा करके रखना है। देखते हैं कि हम कितना पराली जमा कर सकते हैं और मशरूम का व्यापार कैसे चलता है। पराली में आग लगाने से अप्रत्यक्ष रूप से किसान को ही बहुत से नुकसान का सामना अधिक करना पड़ता है, जैसे कि खेत के आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, पराली को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे बहुत से जहरीली गैस उत्सर्जित होते हैं, जो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। पैरा जलाने से उत्पन्न गर्मी और ताप से खेत में मौजूद मित्र कीट सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन में नाइट्रोजन और कार्बन का स्तर कम हो जाता है
आप सबको पता है कि जमीन में कार्बन और नाइट्रोजन फसल की जड़ों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। धीरे धीरे जमीन की उर्वरकता समाप्त होने लगती है, जिसका प्रभाव फसल उपज पर पड़ता है। पैरा की उचित निस्तारण हेतु सरकार की तरफ से अनुकूल तकनीक को अपनाने के लिए कृषकों को शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैसे पैरा के और भी बहुत से प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पैरा को एकत्रित कर डीकम्पोजर की सहायता से खाद बनाया जा सकता है, जो एक किसान के लिए बहुत महंगा सौदा साबित होता है, क्योंकि गांव में सरकार की मुफ्त चावल योजना के कारण अब आसानी से मजदूर नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो मजदूरी बहुत महंगा है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी के छप्पर निर्माण में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना ने गांव में झोपड़ी भी खत्म कर दिया है। तीसरा उपयोग, पैकिंग सामग्री बनाने, कागज निर्माण करने, बायो एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को या किसी निजी क्षेत्र को संयंत्र आदि लगाना पड़ेगा, जो इस वक्त इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, ना ही सरकार की कोई योजना है। बगीचे में ट्रैक्टर आ गया है, अब यहाँ पर ट्राली खाली करेंगे और पैरा को तरतीब से जमा कर रखेंगे ताकि वो बरसात में खराब न हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया एक बार मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ इन विलेज विद असित कानूनगो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा आनंद से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।